नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज में। मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ हम फिर से हाजिर हूँ एक बेहद अहम न्यूज को लेकर। दरअसल सनी देओल की वजह से पठानकोट को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा तोहफा। जी हाँ, सनी देओल आज पंजाब की राजनीति के सबसे फेमस चेहरे में से एक है और भाजपा और जनता दोनों ही इनकी बातों को गंभीरता से सुनती भी है। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया है जो आज पंजाब की हर गली में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सनी देओल ने देश की सरकार की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का रीजनल सेंटर बनाए जाने के फैसले को लेकर के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सनी देओल ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि NSG का यह सेंटर हर हाल में पठानकोट में ही बनना चाहिए। असल में इस मांग के पीछे की वजह की बात करें तो मंत्रालय की तरफ से पठानकोट और अमृतसर जिला प्रशासन को पत्र लिख करके प्लान किए जा रहे NSG सेंटर के लिए 25 एकड़ जमीन की जरूरत के बारे में बताया गया है। इसके बाद पठानकोट जिला प्रशासन और नगर निगम आमने सामने हो। ऐसे में अगर जमीन नहीं मिला तो यह सेंटर यह सेंटर अमृतसर भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अब यह मामला गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के पास पहुंच गया है और जानकारी के अनुसार मेयर अनिल वासुदेवा ने जमीन मुहैया न करवाने के मामले में जिला प्रशासन की ओर से राजनीति करने की शिकायत सनी देओल को की है। इस शिकायत के बाद सनी ने गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाला पठानकोट अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए NSG का सेंटर पठानकोट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से सनी देओल के एक फैसले से राज्य की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। वहीं इससे सनी देओल की ताकत का भी एहसास हो गया कि अगर वो चाहें तो पंजाब की राजनीति की दिशा किसी और भी मोड़ सकते हैं। और क्योंकि पंजाब में इस बार वो पहली दफा गुरदासपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं और क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है और उनके इस लेटर का उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और इसका फायदा सीधे सीधे पठानकोट को मिलेगा और सनी देओल इसके बाद और भी बड़े नेता के रूप में जाने जाएंगे। यानी कि सनी देओल के एक बड़े लेटर से फैसले से काफी कुछ बदलता दिख सकता है। वहां पे जो विवाद का विषय है वो सॉल्व हो सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो सनी देओल को फिर आगे पंजाब में रूल करने से राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ अपडेट के साथ। देखते रहे हमारे चैनल टुडेज न्यूज़ और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करके बताएं क्या आप सनी देओल के इस फैसले से खुश हैं, उनके मांग से आप सहमत हैं, हाँ या ना जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।